हेलो बहन दोस्तों, आज हम सीखें एसएससी रीजनिंग महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025 है, तो आपको 4 + 32 प्लस 108 प्लस 4000 का मान ज्ञात करना है। यानी इसका मान क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं करना, इस संख्या के बराबर इसने कितना दिया, 3025 दे दिया। अब इसको अपन कुछ हल करने की कोशिश करना है। जैसे 4 है, अगर 4 सब में कामन लेने की कोशिश करें तो क्या होगा? देखिए, 4 कामन लिया तो यहाँ से कितना बचा, 1 बचा। अगर यहाँ से 4 कामन लिया तो 4 × 8 = 32, 8 रह गए। फिर यहाँ से 4 कामन लिया तो कितना बचा दोस्तों, 27 बच गया। प्लस इसी तरह यहाँ से 4 कामन लिया तो कितना बच गया, 1000 बच गया। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 1000। अब दोस्तों यहाँ से ये जो है ना 4 है ना, ये 4 फिर लिया और ये 1 का क्यूब हो गया। प्लस 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। प्लस 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। प्लस इस तरह ये कितना क्यूब है, 10 का क्यूब है। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी राशि के लिए अपनों के 3025 लिख सकते हैं। तो 4 × 3025 इस संख्या की, इसके बराबर क्या है, 3025। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 = 20 किसी पर असलाया 2, 4 × 2 = 8 किसी पर असलाया 1 और 1 का 1 ही 1 और 4 × 3 = 12, यानी कि 12100। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है दोस्तों? डी ऑप्शन अपना राइट हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।